दोस्तों, आज हम आपको साथ निभाना साथिया सीरियल के उन कलाकारों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आज सबसे महंगे घर में रहते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन है वो कलाकार। नंबर एक, मोहम्मद नाजिम। इस सीरियल में अहम मोदी के किरदार से मशहूर हुए अहम मोदी 4 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं। हालांकि इनका फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं है, पर इनके घर में सोफे और सजावट के सामान की कई लग्जरी चीजें हैं जो इनके घर को काफी सुंदर बनाती हैं। महंगे घर के साथ साथ इनके पास ऑडी एफ और महंगी गाड़ी है जिसके ये मालिक हैं। नंबर दो, जिया मानिक। देवलीना से पहले साथ निभाना साथिया में गोपी बहू के किरदार से सभी का दिल जिया मानिक ने ही जीता था। वहीं बात करें इनके महंगे घर की तो आपको बता दें, मुंबई के मलाड में 7 करोड़ का फ्लैट में रहती हैं, जिसमें इन्होंने अपने घर को कई लग्जरी सोफे और सजावट की चीजों से घर सजाया है। महंगे घर के अलावा ये मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियों की मालकिन भी हैं। नंबर तीन, रूपल पटेल। गोपी बहू की कड़क सास के किरदार से मशहूर हुई कोकिला मोदी के पास भी 5 करोड़ का फ्लैट है जो कि मुंबई में ही है। इस फ्लैट में ये अपने पति के साथ रहती हैं। बता दें, महंगे घर के साथ साथ इनके पास जैगुआर गाड़ी भी है। नंबर चार, देवोलीना भट्टाचार्य। गोपी के किरदार से घर घर में मशहूर हुई देवोलीना भट्टाचार्य आज टीवी का जाना माना चेहरा है। अगर बात करें इनके महंगे घर की तो आपको बता दें, ये मुंबई में ही 6 करोड़ के फ्लैट में रहती है। इनका घर भी कई लग्जरी चीजों से सजा हुआ है। बता दें, घर के अलावा ये BMW A3 गाड़ी की मालिक भी हैं। नंबर पाँच, रोचा हसबनिस। आखिरी में बात करते हैं राशि बेन की, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से सीरियल में जान डाल दी थी। भले ही राशि यानी रोचा छोटे पर्दे से दूर हैं, लेकिन इनके फैंस इन्हें आज भी मिस करते हैं। बता दें, रोचा का मुंबई में 2 करोड़ का फ्लैट है जिनमें ये अकेली रहती थी, लेकिन शादी करने के बाद ये अपने पति के साथ उनके देहरादून के घर में रहती हैं, जिसकी कीमत 20 करोड़ है। बता दें, इनका खूबसूरत सा बंगला है जिसमें काफी सारे कमरे हैं। वहीं महंगे घर के अलावा इनके पास BMW और ऑडी जैसी गाड़ियां भी हैं, जिसमें ये अपने पति के साथ खूब सफर करती हैं। दोस्तों, साथ निभाना साथिया में कौन से कलाकार ने सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग की थी हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।